तो दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में देखा है कि नॉर्ड 4 का अनबॉक्सिंग वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, जिसमें क्या क्या नॉर्ड 4 के साथ मिलता है। इस वीडियो में दोस्तों आपको जानने को मिलेगा कि नॉर्ड 4 के सेटिंग के अंदर जब जाते हैं तो हमें रैम रोम और एंड्रॉयड अपडेट, एंड्रॉयड वर्जन सारा कुछ देखने को, और भी बहुत कुछ। इस वीडियो में हम आपको बहुत ऐसे हिडन फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो आपको नॉर्ड 4 में देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये लेटेस्ट फ़ोन है 5G का। तो आपको क्या क्या वन प्लस दे रहा है, आइए जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, फिंगरप्रिंट आपको ऑन स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाता है और बहुत ही फास्ट काम कर रहा है, जैसे कि आपने अभी देखा। चलिए दोस्तों चलते हैं सेटिंग में और यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या आपको मिलता है सेटिंग के अंदर। आपको दोस्तों बता दें, बहुत सारा एप्लीकेशन देखेंगे, इसमें से बहुत सारे एप्लीकेशन वन प्लस की तरफ से देता है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल रहता है। हमने जो इंस्टॉल एप्लीकेशन था उसे जो है सो अनइंस्टॉल कर दिया है, जो हमारे यूज का नहीं था। इसमें अभी आप जो भी देख रहे हैं हमारे यूज का है, और कुछ कुछ ऐसे एप्लीकेशन हैं जो आप अनइंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। जैसे कि दोस्तों एक एप्लीकेशन है यहाँ पे देख सकते हैं, जीपे। इसको दोस्तों हमने बहुत बार ट्राई किया अनइंस्टॉल करने की, लेकिन हमें एक भी ऑप्शन नहीं मिला। जैसे कि आप अपनी लाइव स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, यहाँ पे मिल रहा है एप इन्फो और एडिट, लेकिन यहाँ पे रिमूव या फिर अनइंस्टॉल का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे सेटिंग के अंदर मिल जाते हैं आते हैं तो आपको बहुत सारा कुछ देखने को मिलता है। दोस्तों इसमें AI का फीचर्स भी दिया गया है कि अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा पैराग्राफ है तो उसे आप शॉर्ट कर सकते हैं या फिर रीड करवा सकते हैं। कोई फ़ोटो ऐसा है जो ब्लर आ रहा है या आँख बंद है या कोई भी ऐसा चीज़ है जो आप चाहते हैं कि रिमूव करना, तो AI आपको रिमूव कर देगा बहुत ही शानदार तरीका से। ये भी चीज़ आपको इस फ़ोन में देखने को मिलेगा, तो वीडियो पर बने रहिए। धीरे धीरे आपको सारा कुछ नॉर्ड 4 से रिलेटेड आपको इसी वीडियो पर देखने को मिल जाएगा। इसी चैनल पे सारा वीडियो आने वाला है, बैक टू बैक आएगा, तो चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए दोस्तों आते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं सबसे नीचे हम आ जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे सिस्टम अपडेट। तो हम आ जाएंगे सिस्टम अपडेट पे, सॉफ्टवेयर अपडेट। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इसमें जो है OS मिलता है ऑक्सीजन OS के साथ, और ये एंड्रॉयड 4.1 पे अभी काम कर रहा है। ये दोस्तों आपको 6 साल का सिक्योरिटी अपडेट और 4 साल का आपको मिलेगा सॉफ्टवेयर अपडेट, यानी कि आप इस फ़ोन को लगभग 2030 तक आराम से चला सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कमी या प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। पावर बटन में आएंगे तो पावर बटन का एक ऑप्शन होता है कि काफ़ी ज़्यादा देखा गया है कि नया फ़ोन जैसे ही आपको मिलेगा और यहाँ से आप इस बटन को जैसे ही ऑफ़ करने वाले बटन को प्रेस करेंगे तो आपको इस तरीका से ऑन और ऑफ़ का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर आप नीचे की तरफ स्लाइड करते हैं तो आपका ऑफ हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाएंगे तो रीस्टार्ट हो जाएगा, तो ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, इस वाले सेटिंग में आ जाना है और पावर मेन्यू में आपको टिक कर देना है, टिक लगा देना है। बाय डिफ़ॉल्ट वॉइस असिस्टेंट में रहता है तो इस तरह प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ वाले पे टिक कर देना है और बैक आ जाना है, और यहाँ पे पावर मेन्यू रहना चाहिए। तो आपको पावर मेन्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑन ऑफ का ऑप्शन आपको मिलेगा। बैक आते हैं और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नॉर्ड 4 का बहुत सारा ऐसे फीचर्स जो इस फ़ोन के अंदर है। अबाउट डिवाइस पे आएंगे और यहाँ पे आपको देख सकते हैं ऑक्सीजन OS है और ऑफिशियल वर्जन आपको 14.1 है, जो कि लेटेस्ट अपडेट है। डिवाइस का नाम देख सकते हैं OnePlus Nord 4, और स्टोरेज की बात करें दोस्तों तो ये 8GB 256GB वाला वेरिएंट है, और यहाँ पे आपको ये इस फ़ोन के अंदर लगभग 38GB बाई डिफ़ॉल्ट ये अपना यूज कर लेता है, और बाकी का रेस्ट जितना भी GB बच रहा है आप माइनस कर लीजिए, यानी कि लगभग आपको 220GB के आसपास आपको मिल जाता है। यहाँ पे दोस्तों प्रोसेसर की बात करें, लेटेस्ट प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 7 प्लस पे, और 3rd जनरेशन पे ये काम कर रहा है। स्क्रीन साइज 17.12 सेंटीमीटर है। बैटरी दोस्तों काफ़ी अच्छा चल रहा है, क्योंकि हमने जैसे ही फ़ोन लिया उसको चार्ज किया 30 मिनट में फुल चार्ज 100%, और बैटरी का बैकअप बहुत बेहतर। डाटा ऑन करके हमने ऑडियो वीडियो सारा कुछ किया, कैमरा यूज किया, वीडियो यूज किया, बहुत अच्छा फ़ोन चल रहा है। बैटरी बैकअप अभी नया है इसलिए, या आगे भी काम करेगा बैटरी ऐसा ही ये नहीं कह सकते, लेकिन अभी जो नया फ़ोन है तो इस अनुसार से हम आपको बता रहे हैं।
5500 mAh का बैटरी मिलता है। और रैम दोस्तों आप देख सकते हैं 8 GB है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि रैम आप 8 GB तक यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं अभी 4 GB है, यानी कि इस फ़ोन में जो भी काम हो रहा है 4 GB पे ही हम कर रहे हैं। अगर हमको लगता है कि इस 4 GB से ज़्यादा हार्ड काम हम कर रहे हैं, जैसे एडिटिंग वगैरह कर रहे हैं, ग्राफिक्स वगैरह के काम कर रहे हैं, गेमिंग का काम कर रहे हैं, तो आप इसे 6 GB या 8 GB पे भी सेट कर सकते हैं इस तरीका से। अगर आपको लगता है कि नहीं आप नॉर्मल काम या नॉर्मल यूज ही कर रहे हैं तो उसे आप कर सकते हैं। बाकी आपको इसमें यह भी देखने को मिल जाएगा जो आपका फ़ोन है ज़्यादा मेमोरी कहाँ यूज हो रहा है, तो यहाँ पे एक ग्राफ के माध्यम से बाय ग्राफ आपको दिखाया जाएगा और एप्लीकेशन का नाम भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से आपको एक ग्राफ मिल जाता है। और दोस्तों बैक आते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कैमरा के बात कर लेते हैं, तो फ्रंट कैमरा जो है 16 MP का है और रियर कैमरा 50 MP और 8 MP का मिलता है। तो फ्रंट कैमरा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे आप कैमरा को ओपन करेंगे तो इसमें एक सर्किल के जो सर्किल है कैमरा का बना हुआ, उसी सर्किल में एक वाइट कलर का लाइट चलता है जो कि देखने में आपको बेहतरीन लगेगा अगर आप नाइट में इस कैमरे को यूज करेंगे। तब बैक दोस्तों बात करें तो बैक में आप दोस्तों इस प्रकार से देख सकते हैं, फ़ोन का कलर हमने ग्रीन वाला लिया है, ओशियन ग्रीन। और यहाँ पे दोस्तों ये 50 MP का है, ये 8 MP का है। ब्लर बोके सारा कुछ बेहतर है। और कैमरा का बात करें दोस्तों तो कैमरा बहुत अच्छा आपको नहीं मिलेगा, जिस तरह से इसका प्राइस है उस अनुसार से और बेहतर हो सकता था। और बात करते हैं दोस्तों इसका कैमरा सेटिंग के बारे में, तो बहुत सारा आपको ऑप्शन मिल जाता है, फिल्टर मिल जाता है जिसका यूज करके आप उसे नॉर्ड 4 के माध्यम से अच्छे फ़ोटो ले पाएंगे। लेकिन आपको कैमरा में सेटिंग करना होगा, बाय डिफ़ॉल्ट या ओरिजिनल या नेचुरल फ़ोटो लेंगे तो शायद आपको पसंद नहीं आएगा। इस बजट में, इससे कम बजट में आपको बेहतर फ़ोन और बेहतर कैमरा मिल रहा है इसी सेगमेंट में, तो आप चाहें तो दूसरे ब्रांड में भी जा सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कोई आपको ये पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है कि हम आपको ऐसे वीडियो बना दें कि आप इस फ़ोन को ले ही लें। दोस्तों इसमें जो भी हमने रिव्यू दे रहा है ओरिजिनल है और इसमें कोई फेक नहीं है और ये ऑनेस्ट वीडियो बन रहा है जिसमें आपको किसी प्रकार का प्रमोशन देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आपने जाना अबाउट के बारे में, इस फ़ोन के अबाउट के बारे में, कैमरे के बारे में, बैटरी के बारे में और जो भी इसके अंदर एप्लीकेशन से रिलेटेड बातें थी हमने आपको वो भी बता दिया। एक चीज़ दोस्तों, जब भी आप नया फ़ोन ले तो एक चीज़ ज़रूर ध्यान दें, सेटिंग में आए और सेटिंग में आने के बाद आपको बैटरी पे क्लिक करना है। बैटरी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको नीचे आ जाना है, बैटरी के नीचे ऑप्शन आपको मिलेगा बैटरी हेल्थ, इस पर दोस्तों आपको क्लिक करना है। और एक चीज़ देखना है कि मैक्सिमम कैपेसिटी उसके आगे 100% बिल्कुल होना ही चाहिए। अगर दोस्तों 100% नहीं है तो अगर आप ऑनलाइन फ़ोन ले रहे हैं तो उसे रिप्लेस करें, ऑफलाइन ले रहे हैं तो स्टोर वाले को बोले कि हमें ये फ़ोन बदल कर आप दूसरा फ़ोन दीजिए, दूसरा डब्बा निकाल के दीजिए, क्योंकि ये फ़ोन यूज्ड है और ये फ़ोन हम नहीं लेंगे। और ये चीज़ आपको तब पता चलेगा जब आप बैटरी हेल्थ में आकर इसको चेक कर पाएंगे, तभी आपको ये पता चलेगा। अगर दोस्तों 100% नहीं है तो वो फ़ोन यूज्ड है या फिर उस फ़ोन में कोई ना कोई समस्या दिक्कत आपको है जिस कारण से वो 100% नहीं है, तो इस चीज़ को आप ज़रूर देखें फ़ोन को लेते समय। इसमें दोस्तों काफ़ी एक अच्छा चीज़ है कि अगर आप इसमें किसी भी फ़ोटो वीडियो को लेते हैं तो उसमें एक ऑप्शन है जिसके मदद से आपके फ़ोटो को AI जो है सो खुद ही रिमूव कर देता है। मान लीजिए कि यहाँ पे इस फ्रेम में देख सकते हैं कि ये एक डब्बा है और ये एक एयरबड्स है और आपको बहुत ये सब चीज़ हटाना चाहते हैं और आपने नॉर्ड 4 के मदद से फ़ोटो लिया और चाहते हैं कि सिर्फ ये फ़ोन रहे और ये मिट जाए, तो AI मदद के मदद से आप इसको हटा सकते हैं। ये चीज़ दोस्तों हम बताएंगे आपको कैमरे सेटिंग में कि कैमरा को क्वालिटी जब टेस्ट होगा उसमें कैमरे के फीचर्स के बारे में जब बात करेंगे तो वहाँ पे उस वीडियो को आप ज़रूर देखें किस तरीका से AI का यूज़ किया जाता है और AI कितना अच्छा से आपको फ़ोटो को इन्हेंस कर देता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक बात रखते हैं और आगे इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कैमरा टेस्टिंग, बैटरी हेल्थ, बैटरी चार्जिंग से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो। तो आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।